नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजन और आज के वीडियो में हम माय एल्डर ब्रदर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंगर ब्रदर। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा आपको पता होगा कि दो भाई थे, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। तो जो छोटा भाई था उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ द यंगर ब्रदर वॉज मुन्ना। तो छोटे भाई का नाम था मुन्ना। हाउ ओल्ड वेयर द टू ब्रदर्स। तो दोनों भाई की उम्र कितनी कितनी थी? द यंगर ब्रदर वॉज 9 ईयर्स ओल्ड एंड द ओल्डर ब्रदर वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। तो जो छोटा भाई था वो 9 साल का था और बड़े भाई का उम्र था 14 ईयर्स यानी कि 14 साल। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वेयर मुन्ना एंड भैया डूइंग। तो जो छोटा भाई था उसका नाम तो मुन्ना था और बड़ा भाई जो था भैया, जिसका नाम ही यहाँ पे भैया दिया हुआ है, वो क्या कर रहे थे? मुन्ना वॉज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड भैया वॉज रीडिंग अ बुक। तो मुन्ना कुछ पंछियों का और कुछ जानवरों का एक तस्वीर ड्रॉ कर रहा था, पिक्चर ड्रॉ कर रहा था और भैया एक किताब पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था। व्हाई डस भैया रीड अ बुक फॉर आवर्स। तो भैया एक किताब को घंटों क्यों पढ़ता रहता था? भैया रीड्स अ बुक फॉर आवर्स बिकॉज ही वॉन्ट्स हिज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन टू बी स्ट्रांग। तो भैया इसलिए एक किताब को घंटों पढ़ता रहता था ताकि वो चाहता था कि उसका जो बेस है पढ़ाई का वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाए और आगे चल के उसे आसानी हो पढ़ने में। What does मुन्ना do in his free time? तो जो छोटा भाई है मुन्ना, वो अपने खाली वक्त में क्या करता रहता है? In his free time, Munna goes to the field, plays marble and fly paper kites or enjoys with his friend. तो मुन्ना जब खाली समय में होता है, जब वो फ्री होता है, तो वो मैदान में जाता है, फील्ड में जाता है, जाके मार्बल खेलता है या फिर काइट उड़ाता है यानी कि पतंग उड़ाता है, या फिर अपने दोस्तों के साथ भी खेल कूद करता रहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड मुन्ना स्टार्ट क्राइंग। तो मुन्ना रोने क्यों लग गया? मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिज एल्डर ब्रदर। तो उसके बड़े भाई ने, भैया ने क्या किया, उसे डांटा था, इसी वजह से वो रोने लग गया था। हाउ डिड मुन्ना फील आफ्टर बींग स्कॉल्डेड। तो जब डांट पड़ी उसे बड़े भैया से, तो उसने कैसा फील किया, उसे कैसा लगा? आफ्टर बींग स्कॉल्डेड बाय हिज ब्रदर मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो जब उसके भाई ने डांटा, उसके बड़े भाई ने, तो थोड़ी देर के लिए मुन्ना को लगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर भाग जाऊँ। विच आर द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ मुन्ना। तो मुन्ना के मनपसंद खेल कौन से थे? सम ऑफ द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ मुन्ना आर फुटबॉल, कबड्डी एंड वॉलीबॉल। तो ये खेल वो पसंद करता था, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जाम ऑफ भैया एंड मुन्ना। तो मुन्ना और भैया के जो फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स थे वो कैसे आए थे? इन द फाइनल एग्जाम भैया हैड फेल्ड एंड मुन्ना हैड पास्ड एंड टॉप्ड इन द क्लास। तो फाइनल एग्जाम में मुन्ना पास कर गया था और अपने क्लास में टॉप भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भैया जो है यानी कि उसका बड़ा भाई फेल हो गया था। ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इन द चैप्टर। तो चैप्टर में ये एक लाइन है, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है, आइए देखते हैं। व्हेन भैया फेल्ड इन द फाइनल एग्जाम एंड मुन्ना सरप्राइजिंगली टॉप्ड इन हिज क्लास, देन इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर भैया। ही फेल्ट दैट मुन्ना हैड पास्ड बाई लक एज ही डजेंट वर्क हार्ड विद स्टडीज एंड कीप्स प्लेइंग ऑल द टाइम। देन भैया टोल्ड हिम दैट इन हायर क्लासेस ही वोंट पास लाइक दिस विदाउट वर्किंग हार्ड, ही हैज़ टू बी रियली एक्यूरेट विथ हाउ ही लर्न्स एंड राइट्स। लाइक इन ज्योमेट्री इफ ही राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी देन इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। आफ्टर लिसनिंग टू दिस मुन्ना गॉट स्केयर्ड एंड सेड ओ भाई साहब दिस इज स्केरी। तो आइए समझते हैं इसका मतलब। जब भैया फेल हो गया था यानी कि मुन्ना का बड़ा भाई, और मुन्ना पास हो गया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था भैया के लिए कि ये जो मेरा छोटा भाई है ये तो खेलकूद करता रहता है, मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं, तो ये कैसे पास हो गया और अपने क्लास में टॉप भी कर गया लेकिन मैं फेल हो गया। तो उसने सोचा कि ज़रूर ये किस्मत से ही पास हुआ होगा, क्योंकि ये तो पढ़ाई ज़्यादा करता नहीं, तो ये इसका लक फैक्टर होगा जिसकी वजह से वो पास हो गया। तो फिर भैया ने मुन्ना को बताया कि देखो तुम पास ज़रूर हो गए हो, लेकिन ये मत समझना कि आगे के क्लासेस भी बहुत आसान होंगे। देखो मैं फेल कर गया हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था पास करना, जो भी पेपर आया था ये वो। तो भैया एक्चुअली मुन्ना को ये बताता है कि वो जो फेल कर गया है वो मेहनत करने के बावजूद कर गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं वो जिस क्लास में है, और मुन्ना इसलिए पास कर गया क्योंकि वो जो छोटे क्लास में है वहाँ पे चीज़ें आसान हैं। तो ये समझाया वहाँ पे मुन्ना को भैया ने। भैया ने मुन्ना को ये भी बताया कि जब बड़े क्लास में जाओगे तो और भी बारीकी से चीज़ों को लिखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा, जैसे कि ज्योमेट्री में अगर ए बी सी के बदले ए सी बी लिख दिया तुमने तो भी गलत कर दिया जाएगा। तो मुन्ना ने जब ये सुना कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को भी परफेक्टली करना पड़ेगा बड़े क्लासेस में जाके, तो वो थोड़ा सा डर गया और इसी डर के कारण उसने ये लाइन बोला, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी। व्हाई वुड मुन्ना कंप्लीट हिज होमवर्क। तो मुन्ना अपना होमवर्क क्यों खत्म करना चाहता था? मुन्ना वुड कंप्लीट हिज होमवर्क सो दैट ही डजंट गेट पनिश्ड इन क्लास।
तो मुन्ना क्लास में पनिश ना हो, क्लास में डांटना पड़े टीचर से, इसलिए वो अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहता था। व्हाई वाज भैया अपसेट? तो भैया दुखी क्यों थे? भैया वाज अपसेट बिकॉज ही हैड फेल्ड अगेन। तो भैया फेल कर गए थे, फेल हो गए थे अपने क्लास में, इसलिए वो दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भैया एक्सप्लेन हिज फेलियर इन एग्जाम टू मुन्ना? तो भैया ने कैसे एक्सप्लेन किया मुन्ना को कि वो फेल क्यों हो गए थे? भैया टोल्ड मुन्ना दैट सब्जेक्ट्स ऑफ हायर क्लासेस आर रियली टफ अनलाइक हिज क्लास एंड दैट डजंट मेक इट ईजी टू पास द एग्जाम। तो भैया ने मुन्ना को अपने फेल होने का रीज़न ये बताया कि जो बड़े क्लासेस है जिसमें वो पढ़ते हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुन्ना के क्लास की तरह आसान नहीं है, और इसी वजह से जो सब्जेक्ट है उनमें पासिंग मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर? तो ये जो चैप्टर है इसका मॉरल क्या है, क्या सीखने को मिलता है हमें? द मॉरल ऑफ द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर इज़ दैट वी शुड ऑलवेज लिसन टू आर एल्डर्स इवन इफ दे आर स्कॉल्डिंग फॉर द राइट रीजंस एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स। तो इसका मतलब है कि जब भी हमारे कोई भी एल्डर, मान लीजिए कोई हमारे बड़े भैया, माता पिता या फिर टीचर या फिर दूसरे कोई भी हमारे बड़े हमें कुछ बोलते हैं, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हमें वो डांट भी रहे हैं किसी सही रीज़न की वजह से, तब भी हमें सुनना चाहिए इग्नोर किए बिना, और समझने का ट्राई करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें इम्प्रूव करने का भी ट्राई करना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं या फिर हमें किस वजह से डांटा जा रहा है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अरेंज किए थे इस चैप्टर से। अगर आपको दूसरे किसी चैप्टर के भी नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।